नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। आइए दोस्तों, हमारे योगेंद्र मौर्य चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोगों को हम मिलवा रहे हैं यानी कृष्ण कुमार जी से, ये आप लोगों को बताएंगे इस स्टार्टर के बारे में। तो देखिए, ज्यादा देर न लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें जैसे कई प्रकार से आपने देखा होगा कि कई बार इसमें चूहिया घुस जाती हैं, उनसे स्टार्टर में प्रॉब्लम आ जाती है। देखना है इसमें क्या दिक्कत हो गई है अभी। तो हमको जैसे कि अब देखना है कि मोटर चेक करनी है, पहले मोटर क्या बता रही है। मोटर जो है हमारी बिल्कुल सही बता रही है और स्टार्टर से हमारी मोटर नहीं चल रही है। तो हमें देखना है स्टार्टर मोटर क्यों नहीं चला रहा है। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। यहाँ पे आता है मैग्नेट रिपेयर कॉइल वाला, वहाँ पे टुहियों ने कचड़ा जमा कर दिया है। हम अभी आपको दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या कर दिया है। और ये देखो तार कितने सारे काट दिए हैं। ये हमारा प्लंजर खुल चुका है। अब इसमें देखो, ये देखो क्या हुआ है इसमें। इसी के कारण ये मोटर नहीं चल पा रही है। देखो कितना सारा कचरा भरा हुआ है इसमें। यहाँ पे आप अंदर देख सकते हैं क्या किया है चूहियों ने। ये हमको सब साफ करना है। ये जो मैग्नेट पे यहाँ पे जहाँ हमने हाथ रखा हुआ है, जैसे ये सारा कार्बन यहाँ पे लग गया है, जंग वगैरह जो भी है, ये जब तक नहीं साफ होगा तब तक हमारा स्टार्टर आवाज करता रहेगा। अब ये हमको सारा कुछ साफ करना है। इसको आप पेट्रोल से भी धो सकते हैं। पेट्रोल से इसलिए धोया जाता है कि पेट्रोल उड़ जल्दी में जाएगा, और कोई तेल से आप धोएंगे तो वो सूखने में टाइम लगाएगा। अब पेट्रोल सूख जाता है जल्दी से, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी मोटर चला सकते हैं। इसमें दोस्तों देखिए, सफाई विधिवत हो चुकी है। ये देखिए, हमने बिल्कुल इसको चमाचम कर दिया है और इसका मैग्नेट भी एकदम टनाटन कर दिया है। अब कृष्ण कुमार जी इसको बांधने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए किस प्रकार से बांधा जाता है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए आप हमारे पास फोन ना करें, महान कृपा होगी, वीडियो देख करके ही इसे सही करें, क्योंकि इसमें इतने तार होते हैं, ना ही तो हम आपको बता पाएंगे ना ही तो आप बना पाएंगे। वीडियो को देखिए, वीडियो से ही बनाइए, क्योंकि हम कुछ और बताएंगे आप कुछ और समझेंगे। इसमें ऑटो के तार यानी और एम्पियर मीटर के तार, वोल्टेज मीटर के तार, हर चीज के कनेक्शन सब यहीं से होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से। तो आप लोग इसके लिए कॉल ना करें, वीडियो देख करके ही अपने हाथ सफाई कर लें, महान कृपा होगी। इसमें का कचरा निकल करके एकदम स्टार्टर मेंटेन हो चुका है। इसको अब देखिए कसा जा रहा है, और कस करके अभी लाइट आएगी आ जाएगी तो आप लोगों को हम चला करके भी दिखाएंगे। अब दोस्तों हमारी लाइट आकर के कंप्लीट हो चुकी है और स्टार्टर भी आपका एकदम कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए स्टार्टर रहा। अब इसमें हम लगाने जा रहे हैं फ्यूज, लगाने जा रहे हैं। ये हमने फ्यूज लगा दिए और ये हमारे फ्यूज लग के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले ऑटो को सेट करके ऑटो से चलाएंगे, उसके बाद में हम मोटर केबल के कनेक्शन करेंगे। यदि आप पहले मोटर के कनेक्शन कर लेते हैं तो ऑटो को आप सही नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले ऑटो को सही कीजिए, उसके बाद में ये हमारा ऑटो, ये हमारा रहा ऑटो, ऑटो कर दिया।
ये यहाँ से और यहाँ से हम ऑन करते हैं, ऑन कर दिया, ये देखिए लाइट आ गई। और हम ऑटो पर आपको दिखाते हैं, ऑटो पर देखिए लाल बत्ती इंडिकेट कर रही है, यानी कहने का मतलब है कि हमारे कनेक्शन गलत हैं, ये हमारा नहीं चलेगा। जब ये रेड लाइट देगा तभी चलेगा। अब हम कटआउट को निकाल लेते हैं, निकालो एक अब बंद करके स्टार्टर तेरे, और उसके बाद में अब देखिए जैसे हमारे कटआउट लगे हैं और हम ऑटो के कनेक्शन गलत हैं, हम बटन से चलाएंगे चल जाएगा और ऑटो से नहीं चलेगा, तो हम चला करके दिखाते हैं, आप लोग इसकी आवाज सुनिएगा। ये चालू हो गया और ये बंद हो गया, लेकिन ऑटो से नहीं चलेगा। लेकिन जब आप इसको ऑटो पर लगा के रखेंगे उसके बाद में हरी बटन को दबाएंगे तो स्टार्ट नहीं होगा। आपको हम ये भी दिखाते चलें, ये जैसे कि बंद है, अब इसको हम ऑन करते हैं। ऑन कर दिया, अब यहां से नहीं चलेगा। अब इसको और करते हैं। ये देखिए बता रहा है, लाल इंडिकेट दे रहा है, यानी हम नहीं चलेंगे। अब हम इसका ऑटो के कनेक्शन को सही करते हैं, तो किस प्रकार सही करते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। कटआउट निकाल लीजिए। ऑटो सेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे मेन फंडा है ये देखिएगा, ये जो मेन कनेक्शन होते हैं, ये तीन वाले जो आपके कटआउट से होकर के आते हैं, इन किसी दो तारों को आपस में बदल दीजिए। ये पीला वाला हम बीच में कर देते हैं और नीला कर देते हैं किनारे। अब ये देखिए दोस्तों, हमने ऑटो के तारों को चेंज कर लिया है। अब हम लगा रहे हैं कटआउट और हमारे कटआउट लग के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम ऑटो से चला करके देखते हैं। ये देखिए, ये ऑटो का बटन रहा। अब देखिए इसमें कौन सी लाइट जलती है, यहां से ऑन करते हैं। ये देखिए लाइट आ गई और अब देखिए हरी लाइट इंडिकेट कर रही है। अब हमारा ये अभी कुछ चलेगा, आवाज सुनिएगा। ये देखिए चालू हो गया, हरी लाइट जल गई, ये हमारा चालू हो गया। अब हम इसके बाद में मोटर के कनेक्शन करेंगे, ये वाले नीचे यहां पर। लेकिन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्टर को बंद करेंगे, उसके बाद में कटआउट निकालेंगे। अब मोटर के कनेक्शन करना है, लेकिन मोटर के कनेक्शन पर भी एक शर्त होती है। यदि मान लिया हमारे कनेक्शन उल्टे हो जाते हैं, कनेक्शन तार उल्टे लग जाते हैं, तो पानी कम देगा। उसके बाद में ये मोटर के तारों को भी पलटना पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर के तार को पलटा है उसी प्रकार से हम नीचे के तारों को भी पलटेंगे। दोस्तों हमने कनेक्शन कर दिए हैं लाल, पीला, नीला, RYB। अब हम लगाते हैं कटआउट। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने स्टार्ट कर दिया। अब हम इसका पानी आप लोगों को दिखाने चलते हैं। ये देखिए हमारा स्टार्ट हो गया है, अभी पानी आने वाला है। ये देखिए पानी फुल चालू हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों आप लोग यूं ही प्यार बनाए रखें। बाय बाय।